पश्त जिला गांधरबल के कंगन इलाके के चित्रगुल बाबा ऋषि में इतवार के रोज आतिशबाजी के एक वाके में एक रिहायशी मकान और एक काउशेड जलकर खाकस्तर हुआ। इतलात के मुताबिक आग मीर मोहम्मद चिराग के रिहायशी मकान में लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाकई के फौरन बाद हुकाम ने बताया कि उन्होंने राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि रेवेन्यू टीमें भी नुकसान का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंच गई हैं। वाजह रहे इस आग के वारदात में एक अहलकार के जख्मी होने की भी इतला है। देखिए इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदे शाहिद जीलानी की खसूसी रिपोर्ट। देखिए आज बड़ी बदकिस्मती के साथ ये बयान देना पड़ता है कि यहाँ बाबा ऋषि छत्रगुल बाला में एक आग का इंसिडेंट हुआ। हम फायर सर्विस डिपार्टमेंट पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते हैं और ना ही उनसे हमें कोई गिला है। वो कब आए, कहाँ से आए, उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन हमारा गिला जो है वो इंतज़ामिया से है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से है। हमने 2011-12 में भी गवर्नमेंट से ये कहा था कि छत्रगुल में एक फायर सर्विस हमें स्टेशन दिया जाए, ताकि इस इलाके में कोई भी खुदा ना करे कोई इंसिडेंट हो, जल्दी उस पर काबू पा लिया जाए। आप देख लीजिए छत्रगुल के 5 पंचायत हलके हैं, उनके साथ आरी गोरीपुरा है, उसके साथ बुसन है, मनीगाम है, छत्रगुल पेठपुरा है, छत्रगुल बाबा ऋषि है, गासुल है, बिरंडारा है। ये कम से कम 25-30 हज़ार की आबादी है, लेकिन सरकार ने अभी भी हमारी उस तजवीज़ पर गौर नहीं किया और ना ही हमारी वो डिमांड जो है एक्सेप्ट हुई है, जिसका नतीजा ये निकला कि जब भी कहीं आग का यहाँ पे वाकया हुआ, फायर सर्विस जहाँ पहुँचते क्योंकि सड़क भी बड़ी तंग है और सड़क ख़राब भी है, उसकी देरी होने की वजह से यहाँ जो भी नुकसान हुआ उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, पूरे का पूरा नुकसान हो गया, जल गया। आज ये गरीब बेचारा जो एक छत के नीचे रह रहा था उसका नुकसान हुआ है। अगर हमारे इस इलाके में छत्रगुल पॉइंट में अगर फायर सर्विस का एक स्टेशन होता तो बहुत जल्दी उस पर काबू पा लिया जाता और इतना उस बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन ये स्टेशन ना होने की वजह से इतना बड़ा इसका नुकसान हुआ। इससे पहले भी एक यहाँ कई वारदात हो चुके हैं, लेकिन फायर सर्विस वक्त पे ना पहुँचने की वजह से उन पर कंट्रोल नहीं हुआ और बाद में फायर सर्विस जहाँ पहुँची जब तक वो पूरा मिसमार हो चुका था। आप बजाते खुद मेरी भी हालत इस वक्त देख सकते हैं कि हमारी क्या हालत है। पूरे नौजवान इसमें जुटे हुए थे, काफ़ी कोशिश की, लेकिन मिट्टी से आग पर कंट्रोल नहीं होता। हमने मिट्टी से आग पे कंट्रोल किया, यहाँ पानी की फैसिलिटी नहीं है कि हम पानी का इस्तेमाल करते। जब तक फायर सर्विस यहाँ पहुँची यहाँ वो सारा कुछ खत्म हो चुका था। आज इन लोगों ने एहतजाज इसलिए किया है क्योंकि सारे जमा हैं, इनके अंदर एक गुस्सा है, एक तशवीश है कि हम एलजीएल इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि बराए मेहरबानी 15 दिन के अंदर अंदर हमारे छत्रगुल पाइन में कम से कम फायर सर्विस का एक स्टेशन होना चाहिए ताकि आइंदा के लिए बच सकें। मुझे बताइए अगर कोई गरीब बेचारे का नुकसान हुआ, सरकार कितनी जल्दी इसकी भरपाई कर पाएगी, सरकार कितनी जल्दी इसको कंपनसेशन दे पाएगी कि ये अपना सर छुपाने की जगह बनाए। कई साल लग जाएंगे। अब बेचारे मुसाफिर को दफ्तरों के चक्कर काटने हैं, इसको एस्टिमेट बनानी है, इसको अभी आर एंड बी की तरफ से इसका ये
वो एस्टिमेट बनेगा कि कितना नुकसान हुआ है, तब तक सारू लग जाएंगे, तब तक न जाने इसकी ज़िंदगी रहेगी नहीं रहेगी। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी साहब हैं, बड़े डेडिकेटेड हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो जल्दी इस पर एक्शन लें और ताकि 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी कुछ भरपाई हो सके, इसको कुछ कंपनसेशन मिल सके, ताकि इसको बैठने की जगह मिले। और उस पर दूसरी बात यह है कि मैं डिवीजन इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि हमारा 15 दिन के अंदर अंदर एक फायर स्टेशन सर्विस का स्टेशन यहाँ पर लगना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए हमारी परेशानी जो खत्म हो। अगर 15 दिन या 20 दिन के अंदर नहीं होता है तो हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे, और सरकार के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा हक बनता है, क्योंकि हमने काफ़ी बर्दाश्त किया है, बहुत सारे इंसिडेंट पहले हुए हैं, हमारे साथ अभी तक इंसाफ नहीं हुआ। जिनका नुकसान हुआ है उनको बाद में सरकार की तरफ से 1500 से लेकर 2000 रुपये तक उनको मुआवजा मिला, हालांकि लाखों रुपए का इसका नुकसान हुआ है, पक्का मकान था, लाखों रुपए की लकड़ी इसकी जल चुकी है, अंदर जो बाकी सोना वगैरह जेवरात थे उनकी बात ही नहीं है। अब इसका सरकार किस हद तक इसके साथ इंसाफ करे वो सरकार जाने, लेकिन आज हमारी ये डिमांड है कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारा छतरगुल पाइन में एक फायर स्टेशन लगना चाहिए, ताकि हमारी ये परेशानी बार बार के लिए ख़त्म हो जाए। सर, हम तो अपने घरों में बैठकर था, अचानक आग नमूदार हो गई यहाँ, तो हम अपने अपने घरों से निकल कर आए, हमारे पास कुछ सामान ऐसा मैसर नहीं था, हमने यहाँ मिट्टी इस्तेमाल करने लगे, बहुत कुछ हमने किया, तो फायर सर्विस दूर थी, तो हम तो इंतज़ार करते करते रहे, पूरे जायदाद ख़त्म हो गया। ये हमारा सरगुरु इस वक्त ये सरपंच साहब जो बात करता था, 2011 से हमने बहुत तहसीलदार कंगणना और तहसीलदार SDM साहब को हमने बहुत बहुत गुजारिश करी, तो हमारा कोई मानता नहीं है, लेकिन इतनी बस्ती आप खुद देखता है, यहाँ पर आप आ गया मौके में, आप देखो कितनी हमारी बस्ती है, तो इतनी बस्तियों ने में ना एम्बुलेंस है हमें और ना फायर सर्विस है।